दोस्तों 18 मॉडल का स्विच बोर्ड कैसे ऐड किया जाता है ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच के अंदर इतने सारे वायर है जो कोई पॉइंट के हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज है, ठीक है। इनमें से क्या करना है कि आपको व्हाइट कलर के जो वायर है वो स्विच के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर दिखाया था किस तरह से आपको लूपिंग कनेक्शन करना है, वैसे ही आपको उसके ऊपर वाले एरिया में, स्विच के ऊपर वाले एरिया में जितने भी व्हाइट कलर के फैन, लाइट बल्ब, फैन वगैरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर ऐड करने हैं। फाइनल अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है, तो न्यूट्रल को डिस्ट्रीब्यूट करना है सिर्फ और सिर्फ सॉकेट के अंदर। यहाँ पर सॉकेट देख रहे हैं, इसके अंदर न्यूट्रल डालना है, एक वायर का टुकड़ा डालना है और इसी के आप ऊपर वाले एक सॉकेट के अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए न्यूट्रल दोनों सॉकेट में। अब यहाँ पर फेज की बारी आती है, फेज का आपको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे। बेहतर होगा आप यहाँ पर कनेक्ट करें जिससे कि करंट जो है अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो कनेक्शन तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है, अब यहाँ स्विच बोर्ड को ऐड कर दें। ज्यादा जानकारी लेनी इलेक्ट्रिक साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां आपको नॉलेज ज्यादा मिलेगा।